अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये व्लॉग है ट्यूसडे का और मैं 2 बजे के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्कूल से आकर जी मैं लग गई थी कामों में, क्योंकि जी काम तो करने ही करने हैं ना, इनसे तो बंदा नहीं जान छुड़ा सकता और छुड़ाने भी नहीं चाहिए अपने घर के काम है। जी घर के सारे काम वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जो है हरीम की करने लगी हूँ ऑयलिंग, क्योंकि आज जो है मैंने उसको नहलाना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसकी ऑयलिंग कर लूँ, तो अब इस ऑयल को जो है मैं गर्म करूँगी माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद फिर मैं उसकी ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हरीम के ना बचपन में बिल्कुल बाल नहीं थे, वो उसके बाल ना होने के बराबर थे। तो 3-4 दफ़ा जो है वो उसके बाल हमने सारे हटवाए भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना नहीं आए। सब लोगों ने कहा कि नहीं इसको दोबारा इसके सारे बाल शेव करवा दें, लेकिन नहीं, उसके बाल जो है नहीं आ रहे थे। तो जब वो साल की हुई थी, या मेरे ख्याल से 1.5 साल की हुई थी, तो फिर मैंने ना उसके लिए ये ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया था। इसके अंदर आपने जस्ट कैस्टर ऑयल डालना है, और ये वाला जो सईद गनी का ऑयल है ना, आंवला प्लस, ये आपने यूज़ करना है। और इसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल की छोटी इन्हीं की जो सईद गनी की जो बॉटल है ना, वो सारी डाल देनी है पूरी की पूरी। तो वो अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे ना, तो ये इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मेरी बेटी के अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाल हैं कि गुजारे लायक हैं उसके बाल ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने भी बाल होंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल भी बाल नहीं थे। तो अभी बस ये मैं उसके सर की ऑयलिंग करूँगी, और उसके बाद मैं जो है ना उसको शॉवर दिलवाऊँगी। आज जो है हरीन को नहलाना है, सारे जो है काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, बस खाना पकाना और हरीन को नहलाना है, ये काम रह गए हैं। तो अभी मैं उसकी ऑयलिंग करने लगी हूँ। सारे काम वगैरह करने के बाद ना, तो ये खाना बनाया था, खाने में बनाई थी बिरयानी। थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए राइस ज़्यादा खिल नहीं सके, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। अभी काम शाम कर लिए, हरीम को भी नहला लिए, और ऑलमोस्ट सभी काम डन हो गए। हरीम को भी नहलाया, उसको ऑयलिंग करके सारे काम शाम भी कर लिए। तो अब दिल करा कि कॉफ़ी पीऊँ, तो अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। दिल मसीह है मैं तालिब हूँ, तू शायरी है मैं गालिब हूँ, तू मौसम है मैं बारिश हूँ, तू अर्जी मैं सिफारिश हूँ। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है कि मैं बना रही हूँ नेस्कैफे 3-in-1। तो मेरे पास ना अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी वाली कॉफ़ी को बीट करूं, और भाई थक गई हूं, सुबह से लगे हुए होते हैं हम। कुछ जॉब करने वाली लेडीज़ जो हैं वो ऐसी ही होती हैं, कुछ सुबह से स्टार्ट होती हैं और यार रात तक। लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। मैं कभी भी काम को जो है अपने लिए वो बर्डन नहीं समझती हूँ, कोई नहीं, ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। तो अभी मैं बस ये जल्दी से इंस्टेंट बना लूँगी और पीऊँगी, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो कॉफ़ी कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं पी लूँ। आज जो है ऐसा कपड़े नहीं धोए, क्योंकि कल मेरा दिल था कि कल धो लूँ, आज नहीं धोती हूँ। अच्छा असल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर होता है, हम पे भी होता है, स्टूडेंट्स पे भी होता है। तो इसलिए फिर जो है कुछ मुझे टाइम की जो है ना वो अभी हो रही है, मसला हो रहा है कि पढ़ने के लिए भी बच्चों ने मेरे पास आना होता है शाम के टाइम, इवनिंग में, और फिर मॉर्निंग में स्कूल भी जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा होता है कि इंसान थक जाता है, और मैं भी जाहिर सी बात है इंसान हूँ, थक जाती हूँ। इसमें मैं दूँगी अपने हस्बैंड को, और इस मग में मैं खुद पीऊँगी, क्योंकि ये जो मग है मैं लेकर आई हूँ, जब से मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो अभी जो है मैं ये यूज़ करूँगी। तो अगर आपके जो लाइफ पार्टनर होता है, आपके घर वाले होते हैं, अगर वो आपका साथ दें ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इवन मेरी बहुत हेल्प भी करते हैं समटाइम। तो इस मामले में मैं बहुत आई गेस लकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सारी फैमिली है बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए फिर जो है मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ जो है बर्डनाइज फील नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी के कहने पे तो नहीं कर रही ना जॉब, तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो बस इसलिए अभी मुझे ये कॉफ़ी दूँगी अपने हस्बैंड को भी, और खुद भी पीऊँगी। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा नहीं काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा ऐसा कुछ कुछ कोई चीज़ हो ना। तो अभी जी नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीकेंड है, इससे नेक्स्ट
तो हमारे जो घर में फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, शादी है किसी बहुत अपने की, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे सारे ब्लॉग्स जो है वो शेयर करूँगी, तो वो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ मेरे रहिएगा आप लोग, जो है आते ज़रूर हैं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जो आपने सारा इधर फैलाया हुआ है ये क्या है? उठाएं बेटे, इधर आए, ये नोटबुक समेटे। हस्बैंड को जी मैंने कॉफी दे दी है और अब मैं अपनी कॉफी लूंगी। फोकस, ये देखें जी मेरी कॉफी। हर गल उसकी मनसा, हर हुक्म तेजी कर सा, पैरां विच पैर सा, उसनू आखो, उसनू आखो। पढ़ लिया आपने जी? ये पेज तो उठाएं जो आपने नीचे गिराया हुआ है। ओके, इसको डस्टबिन में फेंके। सारा पढ़ लिया? और कॉपी भी फाड़ दिया आपने तो? फाड़ दिए ना? नहीं पुत्र, ये कौन सा टू है? लिखे लिखे, इधर ही लिख लेना। ओहो, अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं, इधर गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, ये क्या लिखा है? ये टू थ्री। आपने कुछ नहीं पढ़ा? थ्री, दिस इज वन, वन वन टू थ्री फोर फाइव, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव। अच्छा ये पकड़े, इधर मुझे अब टू लिख के दिखाएं, आपने देख लिया ना? चलें टू लिखें, वन लिखें पहले, यहाँ से लिखें ना, स्टार्ट करें यहाँ से, इस ब्लॉक से। चलें अब यहाँ पे टू लिखें, अच्छा थ्री लिखें, ये तो एच है, एच फॉर एप्पल, एच फॉर, एच फॉर, एच फॉर एप्पल, एच फॉर हरीम। अब तो मैं अब तो एक बिट्टा खाती हूँ, इससे आपका नाम बनता है। माय मैं जी काम करने दो, जल्दी आ, काम करने दो ना। ये क्या बनाया आपने? मैं हूँ। ओह अच्छा आ रही है, जाओ बाबा को दिखा के आओ आपने कैसे बनाया है। क्यों लगा दियो मेहंदी? इसे आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। किधर गई है? मुझे नहीं लगानी आती, मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है ना। हरीम आज मेहंदी लगा रही है, क्यों लगा रही हो बेटे मेहंदी? मुझे वो पसंद होती है। क्यों पसंद होती है? मुझे इसे पसंद होती है, मैं आपकी फिंगर में मेहंदी वही शॉप जाती हूँ। चलो जी पहले हरीम को लगाते हैं मेहंदी, फिर आपको दिखाते हैं तो कैसी मेहंदी लगाई है। हरीम की मेहंदी थोड़ी बहुत लग ही गई है, इतना हिल रही थी और इतना हंस रही थी। वाह, यू लाइक इट? Yes. फाइनली जी मैं रेस्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हरीम भी जो है वो अपने आईपैड के साथ लगी हुई है, थोड़ी देर इसको मिलती है, पूरा दिन तो ये भी बस इधर उधर ही मेरे पीछे या सो रही होती है या सुबह स्कूल गई हुई होती है, तो यही टाइम होता है इसके पास। तो टाइम कुछ हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, लेकिन अब बस यही टाइम होता है कि बस इंसान थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि सुबह फिर उठ के स्कूल और स्कूल के बाद फिर सारे काम, और इस तरह से रूटीन है। और आपको मैंने बताया था फैमिली में फंक्शन भी है और घर की शिफ्टिंग भी की हुई थी,
तो वीकेंड्स भी ऐसे बिजी जा रहे हैं कि हमारी कोई आउटिंग भी नहीं हो सकती, कि हम वैसे तो हरीम को कहीं ना कहीं लेकर जाते रहते थे, लेकिन ऐसे कोई भी आउटिंग जो है वो आजकल नहीं हो रही, क्योंकि काम सारा बस मार्केट्स का ही है। पहले फर्नीचर लेना था नए घर के लिए, ये वो, और अब जो है वो शादी बिल्कुल करीब है और इतने सारे टास्क हैं जो नॉट डन हैं, अभी करने वाले हैं, उनको भी करना है, और बस इसी तरह सोच रही हूँ कि कल क्या करूँ और परसों क्या करूँ। नहीं, वैसे ही लाई हूँ बेटे। अच्छा, तो मैं जो डेली प्लेसेस के ब्लॉग होते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा शूट नहीं करती। मैं कहती हूँ आपको बोर ना करूँ, कि नॉर्मल एक जो रूटीन है उसके साथ आपको बोर ना करूँ। तो जो दूसरे ब्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह आगे, मेरे शादी के भी सारे ब्लॉग्स और जो शॉपिंग वगैरह की भी, सब मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ जो है मेरे चैनल को थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो दें। पहले मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन आजकल कुछ डाउन होते जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी किया करें। मैं वॉइस ओवर इसलिए नहीं करती कि मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अब वॉइस ओवर नहीं करती। वॉइस ओवर में जो है वो इंसान मस्ती होता है ना, कि पीछे से बस बोल रहा है और बोल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव भी आया करूँगी, और लाइव भी आप लोगों से बात किया करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर भी कर दिया करें और कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो है मैं कुछ कर सकती हूँ या आगे जा सकती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और यूँ ही मेरा साथ देती रहिएगा। आपको, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, जजाक अल्लाह। चलें जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।